फैसलाबाद में नई रिवायत। फैसलाबाद के लोगों ने 14 अगस्त को एक अजीब मंजर देखा। शहर की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस प्रोटोकॉल सड़कों पर था। डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के 50 मोटरसाइकिल थे, उनके पीछे स्क्वाड की गाड़ियां थीं, उनके पीछे सजी सजाई बगियां थीं, उनमें वीवीआईपीस की फैमिलियां बैठी थीं और उनके पीछे पुलिस की हॉर्स फोर्स और सायरन की गाड़ियां थीं। ये काफिला जहां से गुजरता था वहां खड़ी पुलिस फोर्स यूनिफॉर्म में इसे सैल्यूट भी कर रही थी और काफिले को रास्ता भी दे रही थी। फैसलाबाद पुलिस ने इस काफिले को अमरीकी सदर और सऊदी शाह से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया और पूरे शहर ने खुली आंखों से ये मंजर देखा। ये काफिला फुल प्रोटोकॉल में सीपीओ हाउस पहुंचा। पुलिस एहलकार फूलों की पत्तियां लेकर खड़े थे। बगियां जो ही हाउस में दाखिल हुईं, उन पर दोनों तरफ से गुलपाशी हुई। सीपीओ ने आगे बढ़कर बग्गी का दरवाजा खोला, एक एक मेहमान को सैल्यूट किया और उससे हाथ मिलाया। मेहमानों में खवातीन, बुजुर्ग और छोटे बच्चे थे। सीपीओ उनमें से हर शख्स के पास चल कर गया, उसे सलाम किया और उसका हाल अहवाल पूछा। मेहमान सारा दिन सीपीओ हाउस में रहे। उस दिन फैसलाबाद की सारी सिविल और फौजी इंतजामिया वहाँ थी और पूरा दिन उन वीवीआईपीस की खिदमत करती रही। ये मेहमान कौन थे जिन्हें प्रोटोकॉल भी मिला और उनकी इतनी खातिरदारी और खिदमत भी हुई? ये मेहमान फैसलाबाद जिला के 108 पुलिस शहदा के खानदान थे। इनमें 2 रजाकार, 70 कांस्टेबल्स, 12 हेड कांस्टेबल्स, 9 ASI, 11 सब इंस्पेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स, 1 DSP और 1 शहीद SP का खानदान था। इन खानदानों के सरबराह पुलिस फोर्स का हिस्सा थे और ये दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। उमर सईद मलिक इस वक्त फैसलाबाद के नए CPO हैं। ये आइडिया उनका था। उनका ख्याल था पुलिस मुल्क के हर शख्स को प्रोटोकॉल देती है, लेकिन ये अपने इन अहम तरीन लोगों को भूल जाती है जो ड्यूटी के दौरान अपनी जिंदगी हार गए। हुकूमत और फोर्स उन शहदा और उनके खानदानों को भूल जाती है। ये लोग और इनके खानदान तमाम VIPs से बड़े VVIPs हैं। ये ना हो तो कोई फोर्स चल सकती है और ना मुल्क। लिहाजा अगर प्रोटोकॉल सैल्यूट और खिदमत का कोई असल हकदार है तो वो ये लोग हैं। चुनाचे मोहम्मद सईद मलिक ने मुल्क का 75वां योम आजादी पुलिस शहदा की फैमिलियों के साथ गुजारने का फैसला किया। पुलिस ने तमाम खानदानों के साथ राब्ता किया, इन्हें दावत दी और पुलिस इन्हें इनके घर से इज्जत और प्रोटोकॉल के साथ लेकर आई। काफिला तैयार हुआ और इन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ CPO हाउस लाया गया और वहां इनका शाही खानदान की तरह इस्तकबाल हुआ। CPO ने सारा दिन पूरी पुलिस फोर्स, डिविजनल इंतजामिया और अपने शहदा के खानदानों के साथ गुजारा। ये बज़ाहिर एक छोटी सी खबर है और ये सोशल मीडिया के जरिए मुझ तक पहुँची, लेकिन आप यकीन करें मेरे दिल में उमर सईद मलिक की इज्जत में इजाफा हो गया। मैं इनसे कभी मिला नहीं, लेकिन ये इस किस्म के काम करने के माहिर हैं। ये इससे कबल रावलपिंडी में थे। उन्होंने यहाँ पुलिस शहदा की यादगार बनाई और ये DPO विहाड़ी और सियालकोट भी रहे और ये वहाँ भी शहीद एहलकारों के बच्चों को स्कूल छोड़कर आते थे। दुनिया में 13 किस्म की बेवफाइयाँ होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बेवफाई उस शख्स और उसके खानदान को फरामोश कर देना है जिसने आप मुआशरे या मुल्क के लिए जान दी हो। और हम बदकिस्मती से इस बेवफाई में बहुत आगे हैं। आपने कभी सोचा फौज के जवान अपने कमांडर के हुक्म पर क्यों जान दे देते हैं? क्योंकि ये जानते हैं हमारा इदारा हमें और हमारे खानदान को फरामोश नहीं करेगा। मैं अगर ड्यूटी के दरमियान मर गया तो मेरे वो सीनियर जिन्हें मैं पूरी जिंदगी सैल्यूट करता रहा, वो मेरी मैयत को सैल्यूट भी करेंगे, कंधा भी देंगे और मेरे बाद मेरे बच्चों और खानदान का ख्याल भी रखेंगे। ये जानते हैं इनका खानदान जिंदगी भर शहीद के खानदान की हैसियत से मुआशरे में इज्जत पाएगा और अगर कभी किसी ने इस खानदान के साथ किसी किस्म की ज्यादती की तो पूरा इदारा मेरे खानदान के साथ खड़ा हो जाएगा। और ये वो यकीन है जो सरहद पर खड़े जवान को जान देने और जान लेने पर तैयार करता है, जबकि इसके मुकाबले में पुलिस समेत कोई भी सिविल इदारा अपने शहदा के साथ खड़ा नहीं होता। आप IB, FIA और सिविल सर्विस के दूसरे इदारे देख लीजिए, इनमें छोटे एहलकार तो दूर, कोलीग्स बड़े अफसरों के जनाजों में भी शरीक नहीं होते। मरने वाला मर जाता है और महकमा इसे और इसके खानदान को हालात के रहमो करम पर छोड़ देता है। बिजनेसमैन, कम्युनिटी, स्पोर्ट्स, मीडिया, शोबिज और कॉर्पोरेट सेक्टर इससे भी बदतर हैं। ये अपने वर्कर्स की फौतगी के बाद खानदान को उस माह की तनख्वाह तक नहीं देते। आपने शायद ही किसी गैर सरकारी महकमे के बारे में सुना हो जहाँ किसी मरहूम कोलीग के खानदान को अकोमोडेट किया गया हो या उसके बच्चों की तालीम, शादी और रोजगार का बंदोबस्त किया गया हो।
जो मर गया वो पुरानी साइकिल या पुरानी मशीन की तरह यादों से भी बाहर फेंक दिया गया। बिजनेसमैन कम्युनिटी इंतकाल के अगले ही दिन अपने साथी के असासे खरीदना शुरू कर देती है और यूं चंद बरस में अरबपति खानदान सड़कों पर ख्वार हो रहा होता है और ये उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ एक शख्स ऐसा मिला जिसने एक मरहूम बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी ये कहकर उन्हें पौने दामों खरीदने से इनकार कर दिया। वो बेचारा मर गया, मैंने कल मर जाना है, चुनाचे मैं इसके बच्चों के साथ ज्यादती क्यों करूं। उस शख्स ने बेवा से राब्ता किया और उसे बताया, आपका प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी महंगी है, ये उसे आधी कीमत में बेच रहा है, आप उससे जान छुड़ा लें। जबकि मरहूम के बाकी दोस्त वो प्रॉपर्टी ओने पोने खरीदना चाह रहे थे। सिविल सर्विस के बारे में लतीफा मशहूर है, असिस्टेंट कमिश्नर का कुत्ता फौत हो गया तो पूरा शहर उदास मुंह बनाकर उसके बंगले पर पहुंच गया, लेकिन जब असिस्टेंट कमिश्नर का अपना इंतकाल हुआ तो खानदान और मौलवी के अलावा जनाजे में कोई नहीं था। मरहूम का स्टाफ भी नए एसी के इस्तकबाल के लिए सड़क पर खड़ा था। हम लोग इस कदर संगदिल हैं कि जब भी कोई बाअसर शख्स फौत होता है तो हम फौरी तौर पर ये देखते हैं क्या इसके खानदान में इसके बाद कोई बाअसर शख्स मौजूद है। अगर हो तो हम उदास शक्ल बनाकर जनाजे में पहुंच जाते हैं, वरना सिर्फ फोन पर ताजियत करके फारिग हो जाएंगे। ये रुझान पुलिस में भी आम है। मैंने अपनी आँखों से पुलिस शहदा के खानदानों को SSP ऑफिस में धक्के खाते देखा। ये बेचारे शहीद की पेंशन और मराद के लिए दरख्वास्तें दे देकर थक जाते हैं, मगर इनकी सुनवाई नहीं होती। और इन हालात में उमर सईद मलिक का ये इकदाम हैरान कुन भी है और काबिल तकलीद भी। ये अपने शहीद कांस्टेबल्स के गरीब खानदानों के साथ खड़ा हो गया, इसने उन्हें इज्जत दी। काश पूरी पुलिस फोर्स इस मिसाल को आदत बना ले, ये अपने शहदा की फैमिलीज को ओन करना शुरू कर दे। यकीन करें पुलिस का मोराल तब्दील हो जाएगा। दुनिया भर के मुआशरे अपने शहदा को बहुत अहमियत देते हैं। अमरीकी फौज के बारे में मशहूर है, ये अपने फौजी की लाश किसी दूसरी सरजमीन पर नहीं छोड़ती, खा इसे फौज का पूरा ब्रिगेड मरवाना पड़ जाए। ये अपने शहीद की लाश उठाते हैं, अमरीका लेकर आते हैं और इसे पूरे एजाज के साथ अमरीकी जमीन में दफन करते हैं। पहली और दूसरी जंगे अजीम में फ्रांस में अमरीका के हजारों फौजी शहीद हो गए थे। ये तमाम लाशें अमरीका शिफ्ट करना मुमकिन नहीं था, चुनाचे अमरीका ने फ्रांस से जमीन खरीदी, उस जमीन को अमरीकी हुदूद करार दिया, अपने तमाम शहदा को वहाँ दफन किया और एक शानदार फौजी कब्रिस्तान बनाया। आज भी वहाँ अमरीका का झंडा नजर आता है और पेरिस के ऐन दरमियान अमरीकी कब्रें भी। आप लसबेला हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद ट्रोलिंग के इशू को भी ले लें। सोशल मीडिया पर 4 अगस्त की रात फौज के खिलाफ कमेंट्स पोस्ट हुए, फौज की तरफ से इस पर शदीद रद्द अमल आया और अब एक बड़ी तहकीकाती टीम तफ्तीश भी कर रही है और ट्रोलिंग करने वाले गिरफ्तार भी हो रहे हैं। अगर अमरीकी फौज और हमारी फौज अपने शहदा और उनके खानदानों का इतना ख्याल रख सकती है तो पुलिस ये क्यों नहीं करती। ये अगर ड्यूटी के दौरान जान देने वालों और उनके खानदानों को इज्जत नहीं देंगे, ये अगर उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर फोर्स कमांडर्स के हुक्म पर जान क्यों देगी। मेरी हुकूमत से भी दरखास्त है, आप भी शहीदों को बराबरी का हक दें, आप इन्हें सिविल और मिलिट्री में तकसीम न किया करें। ये लोग मुल्क के लिए मरते हैं, लिहाजा मुल्क को अपनी हुर्मत पर कुर्बान होने वाले हर शख्स को बराबर इज्जत देनी चाहिए। इसे शहीदों को जवान और कांस्टेबल और मेजर और SP में तकसीम नहीं करना चाहिए। शहीद सिर्फ शहीद होते हैं, ये फौजी और सिविल नहीं होते।